नमस्कार नीड फॉर ऑल ओडिया यूट्यूब चैनल मु बबुल आपनकु स्वागत करुची। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे जानिबा पोस्ट ऑफिस रो पोस्टल पेमेंट बैंक विषय रे बा पोस्टल पेमेंट बैंक रे केते प्रकार अकाउंट खोला जीवो आ को भली भाबे रे अकाउंट रे आपनकु इंटरेस्ट मिलिवो आ केमिति आपन से अकाउंट खोलिबे से विषय रे मु आपनकु ए वीडियो रे सब किछि कहि देबी। तो डाक घर वर्तमान आपनकु केवल चिट्ठी पत्र दउथिला किंतु वर्तमान आपनक गांर पोस्टमैन आपनकु टंका दबा नबा करिवो माने आपनक घरकु पोस्ट पाला आसीकि पैसा नै जीवो एवं पैसा मध्य देइ जो माने आपण घरे बसिकी पैसा उठे पारे एवं पैसा को मध्य डिपोजिट रखि पारे जोटा कि पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी भारतीय जो डाक विभाग रही सी वर्तमान पोस्टल पेमेंट बैंक ऑलरेडी डिक्लेयर कर सारी सेप्टेम्बर एक रे ऑलरेडी आम भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऑलरेडी भारत पोस्टल बैंक को ऑलरेडी आरंभ कर भारतर पोस्टल विभाग रही लक्षे माने 195,000 डाकघर रही बहुत बड़ नेटवर्क अच्छी भारतीय डाक विभाग रे। तो यही सब डाक विभाग गाँव में रही थी गाँव लोक बैंक शाखा माने बहुत लाभ उठाई पारे माने आपण माने जो माने भी वीडियो देखुंट गाँ गाँव में आप समस्त गाँव में पोस्ट ऑफिस अच्छी आपण गाँव में जेकोसी बैंक रही बैंक रे बहुत किसी भिड़ होता है बहुत किसी लोक बैंक पैसा देने असुविधा होता है गाँ ठू आपण को बैंक बहुत दूर से थाए जावा आसवा असुविधा होता है कि पोस्टल आपण घर पाखे अच्छी तो आ पोस्टल साहर आपति बैंक अकाउंट खोलिबे से विषय में आपको सबकि कहीदेवी उभय करेन्ट सेविंग्स अकाउंट आधेपारे मनी ट्रांसफर करें बिल इलेक्ट्रिक बिल पा बिल सबकि इन्सुरांस सहित सबकि प्रीमियम देपारे आसत सरकार विभिन्न सब्सिडी अर्थ मध्य सब जेकोसी बैंक आपड़ जहाँ भी करूँ ये पोस्टल पेमेंट बैंक मध्यम करें छोट ऋण हौ छोट नवेश म्यूचुआल फंड सबकि अधिरे करी परिबे 650 ब्रांच सह ए बैंक ऑलरेडी आरंभ होई कारण यार पूर्वर सब पोस्टल बैंक ब्रांच थिला एवं सेई ब्रांच को डेवलपमेंट करा जाय कि पोस्टल बैंक ब्रांच करा जाय छी। तो चलंतु मु आपनु कहि देबी ए ब्रांच माने अकाउंट केते प्रकार अकाउंट अछि आ आपण ए अकाउंट रे केमति खोलिबे मध्यम ताकु आपनकु ए पोस्टल बैंक विषय रे डिटेल सब किछ आपनकु कहि देबी। तो चलंतु देखिबा केते प्रकार अकाउंट अच्छी आ कौन ये अकाउंट रे बेनिफिट आमको मिल। तो देखु ये हूँ इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक रो गोटे शेड्यूल चार्जेस तार अकाउंट खोलिया केते प्रकार अकाउंट रो स्टेटमेंटा मुझे जोटि केमी कौ मैंने खोली पारे 10 वर्ष ऊर्ध समस्ते अकाउंट खोली पारे। तो सरल सफल अकाउंट बा सफल अकाउंट रे आपन को मिनिमम 100 टंका दे अकाउंट खोलिया पड़ो किंतु बेसिक आउ स्मॉल अकाउंट पे किसी दबाक पड़बनी। तो मिनिमम अकाउंट बैलेंस किसी रही ये सबुठ बड़ कथा आपन को जीरो बैलेंस रे एठी अकाउंट खोलिया को मिलिबो एवं मैक्सिमम बैलेंस आपन सबुथेरे लखे लखे किंतु स्मॉल अकाउंट रे 50,000 पर्यंत रखि पारे। नोमिनेटरी फैसिलिटी सबुथेरे अच्छी एटीएम डेबिट कार्ड देखु सबुठ बड़ कथा एटीएम डेबिट कार्ड बा ये सब जिनस फ्री रे आपनकु मिलिबो। तो सफल अकाउंट रे 100-100 टंका केवल थरे मात्र आपनकु दबाकु पड़िबो एवं प्रति वर्ष एठी सफल अकाउंट रे आपनकु सेकंड वर्ष टू 100 टंका देबे एवं पिन जनरेशन पे 50 टंका देबे किंतु आउ जो दुटा अकाउंट बेसिक एंड स्मॉल अकाउंट पे किछि दबाकु पड़िबो नहीं। सबुठ बड़ कथा होची आधेरे एनुअल इंटरेस्ट बहुत अधिक अदर जेते पेमेंट बैंक ऑलरेडी खोला है से होची पेटीएम हो बा विभिन्न प्रकार एयरटेल। तो जनरल ये 5.5% अधिक अच्छी 5.5 इंटरेस्ट हो बहुत बढ़िया कारण आपन को सेविंग्स अकाउंट को 2.5% 3% दे था किंतु ये 5.5% एनुअल इंटरेस्ट ये मिलूँ आपड़ जहाँ भी रखत आधे कौन सी क्वार्टरली आवरेज बालांस मेंटेन करा पड़बनी देखते सबुथे नील नील लेखा है नॉन मेंटेनेंस चार्जेस भी किसी ना ठीक अच्छे इंटरेस्ट आपन को क्वार्टरली क्वार्टरली तीन मस को थे जिते टाँग रखते तार इंटरेस्ट ऑलरेडी आपन अकाउंट रे ऐड हो सबुथे मोबाइल अलर्ट ऑलरेडी अच्छी मंथली अकाउंट स्टेटमेंट ऑलरेडी आपन पाई परिबे से पुनी फ्री रे एवं आपन डोर स्टेप बैंकिंग हाँ जदि आपन डोर स्टेप बैंकिंग करूँ माने आपन घर को जो
ଯାଇକି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲା ଡିପୋଜିଟ୍ ୱିଡ୍ରୋ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କାରୁ 35 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ସବୁଥିରେ ଲାଗିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ଜେନେରାଲି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫ୍ରିରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାର୍ଜ ATM ମନ୍ଥଲି ଚାର୍ଜ ଆଧିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ତା'ର ATM ଆସିବ ବା ସେ ATMର ଚାର୍ଜ କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ତ ATM ଏତେ ଖୋଲା ହେଇନି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ରି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି, ପଇସା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେ ଥର ପଇସା ଉଠେଇବେ ବି ଫ୍ରି, ମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ନିଜସ୍ୱର ATM ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ATMରେ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ପଇସା ଉଠେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅଦର ATMରୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ମିଳିବ। କେଉଁଠି ନା ଜେନେରାଲି ସହରମାନଙ୍କରେ, ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି, ଏ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲାଗୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେ ଥର ଉଠାଇ ପାରିବେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆଉ ଯାହା ରୁଲ୍ କିଛି ବହୁତ ରୁଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଜେନେରାଲି ରୁଲ୍ ଏଇସବୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱିଡ୍ରୋ ଆପଣ କରିପାରିବେ 10,000 ଏକାବେଳକରେ ଏବଂ ଦିନକୁ 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଜେନେରାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସଫଳ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ସେ ସଫଳ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷ, ଆପଣ 14 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ NEFT IMPS ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଅଛି ସେ ସେମିତି ଅଛି, 10,000କୁ ନେଇକି ଟଙ୍କା 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା କଟିବ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍, 2.50 ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଟେ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଆଧିରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତୁ ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ବି ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ପେମେଣ୍ଟ ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ। ତ ମୁଁ ୟା ପରର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କେମିତି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି କେମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ପୋଷ୍ଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ମିଳିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।